अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे रेलिंग पर डी को किस तरह करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी अच्छे से सैंडिंग की, फिर हमने इसकी रिपेयर की और हम इस पर ब्लैक डी को कर रहे हैं। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमारे कारीगर ने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बहुत से कारीगरों को उलझन होती है ग्लव्स पहनने में, इसी मारे इन्होंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई इसमें सीधे सीधे हाथ चलाने होते हैं। आपकी रेलिंग अगर कोरी है, आप उसको डीको पेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको अच्छे से सैंडिंग करें। सैंडिंग करने के बाद उस पर आप प्राइमर लगाएं। प्राइमर आप कपड़े से लगा सकते हैं। प्राइमर लगाने के बाद उसको अच्छे से रिपेयर कर लें, जो भी उसमें गड्ढे हैं उसको अच्छे से फील कर लें। फील करने के बाद उसको पहले सैंडिंग कर लें। सैंडिंग अच्छे से करने के बाद उसको आप एक कोट फिर सरफेसर का लगाएं प्राइमर का। फिर प्राइमर का लगाने के बाद उसको फिर सैंडिंग कर आप उस पर डीको कर सकते हैं। डीको में आप कोई सा भी कलर यूज़ करें तो उसमें आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ही देखें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए रेलिंग हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए शाइनिंग भी और फिनिशिंग भी हमें बहुत अच्छी मिली है। आप भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं रेलिंग को। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।